हमारे साथ हैं वेब दुनिया के दर्शकों के लिए विजय बहादुर पाठक, जो भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के सबसे सरगर्मी वाले चुनाव हैं उसमें मीडिया और उससे संबंधित सारे कामकाज को देख रहे हैं। विजय जी बताइए कि क्या रणनीति है, पहले चरण का मतदान हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है? अमित शाह जी ने अभी अभी बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन आपकी रणनीति क्या है? देखिए, पहले चरण में कार्यकर्ता उत्साह से लवरेज है और उत्साह से लवरेज है कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से जनता को प्रभावित करेगा, और जब जनता को प्रभावित करेगा तो आगे के चरणों में भी भारतीय जनता पार्टी यही तरह स्थिति बनाएगी। उत्तर पहले चरण में हम 50 से अधिक सीटें जीत रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से जब जीत की ओर अग्रसर होता है कार्यकर्ता तो दुगने उत्साह से भी काम करता है। इस उत्साह का संबल होगा और हम मिशन 265 प्लस और अब की बार 300 के पार। देखिए, स्लोगन में और बातचीत में अच्छा लगता है, अमित शाह जी ने भी कहा कि 73 में से 50 सीटें, जिसमें कि पिछली बार के चुनाव में आपके पास केवल 12 सीटें थी। आपका ये आत्मविश्वास कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? उत्तर प्रदेश में हमने 80 में 73 सीटें जीती है, 10 की 10 पहले चरण की जो लोकसभा की 14 सीटें थी। लोकसभा और विधानसभा में क्या अंतर है, ये हमने बिहार में देख लिया, आपने दिल्ली में देख लिया, महाराष्ट्र में देख लिया। देखिए, आपने सवाल किया कि कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, मैंने उसका उत्तर दिया, हम आत्मविश्वास में हैं पर अति उत्साह में नहीं है, अति आत्मविश्वास में नहीं है। हम आत्मविश्वास से लवरेज हैं लेकिन अति आत्मविश्वास में नहीं है। हम परिश्रम करके, परिश्रम की पराकाष्ठा करके इस तरह की स्थितियों का निर्माण करेंगे कि अब की बार 300 पार के का जो मेरा कार्यकर्ता नारा लगा रहा है उसको हम चरितार्थ करेंगे। हमने तो कहा है कि 275 प्लस, जब हमने 272 प्लस कहा था तो पूरे देश की जनता को भी याद होगा, आपको भी याद होगा कि लोगों ने कहा था कि कैसे हो जाएगा, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई थी, सबको मिला के चलाई थी, 272 कैसे आएगी? हुआ तो मेरेकिल हुए हैं, और जब हुए हैं तो हम क्यों या ना उम्मीद करें कि 2017 में भी होगा, एक बार। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का चरित्र समझ 2007 में, 2012 में एक दल को बहुमत मिला, 2007 में भी दल को बहुमत, 2012 में भी दल को बहुमत, तो 2017 में भी मिलेगा एक दल को बहुमत, वह दल भारतीय जनता पार्टी हो, और वह दल बहुजन समाज पार्टी भी हो सकता है। मैंने कहा वह दल भारतीय जनता पार्टी हो, इसके लिए कार्यकर्ता अथक परिश्रम कर रहा है और उसके परिश्रम का परिणाम दो पहले चरण में हमें दिखा है, आगे के चरणों में ये क्रमबद्ध तरीके से दिखा है।